नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं टीचर्स डे शिक्षक दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज टीचर्स डे के दिन के स्पेशल कुछ अनोखी बातें कुछ नया कंसेप्ट के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। तो उसके रिगार्डिंग आज यहां पे आप हम सभी लोग आए हैं। तो आप सभी लोग शायद मुझे पता होगा कि आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि ऑलरेडी वर्जन वन में हम सभी लोगों का जबरदस्त काम ऑलरेडी चल रहा है। अभी कल शाम से जो वर्जन टू का नोटिस सिस्टम ने दिया है तो वो नोटिस देखकर बहुत सारे लोग उत्साहित होकर ऑल ओवर इंडिया से मुझे कॉल भी आने लगे थे कि सर ये वर्जन टू अभी कैसा होगा, वर्जन वन का तो प्लान इतना बढ़िया है, अभी वर्जन टू का तो शायद इससे भी बढ़िया प्लान होगा, तो उसके बारे में थोड़े मुझे बताइए। लेकिन कल शाम तक मुझे भी उतना डिटेल पता नहीं था दोस्तों। जब मैंने सिस्टम को मेल करके डिटेल जानकारी ली तो कुछ नॉलेज जब मुझे पसंद आया, मुझे समझ में आया, तो आज नॉलेज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आर यू रेडी? ओके। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल का वर्जन 2 के बारे में। अभी वर्जन 1 तो सभी लोगों को पता है, तो अभी वर्जन 2 क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्जन 2 का प्लान एक जबरदस्त प्लान होने वाला है आने वाले दिनों में। जैसे लगभग 7-8 महीनों में वर्जन 1 ने जो धमाका किया है उससे डबल धमाका आने वाले दिनों में वर्जन 2 के माध्यम से होने वाला है दोस्तों, क्योंकि वो प्लान ही उतना बढ़िया है। अभी आप प्लान देखने के बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्जन 2 के वजह से वर्जन 1 के ऊपर या फिर वर्जन 2 के वजह से वर्जन 1 का प्लान कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, या फिर उसमें इसका वर्किंग कम होगा, ये आप माइंड से निकाल दीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कंपनियों में जब भी प्लान चेंज होता है या फिर जब भी नया वर्जन आता है तो बहुत सारे चेंजेस वहां पे होते हैं, बहुत सारे लोग टीम नेगेटिव होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है फिर से नई टीम बनानी होती है, फिर से नया स्टार्टअप करना होता है, फिर से नए लोग ढूंढने पड़ते हैं या फिर एग्जिस्टिंग टीम को फिर से ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, नया फिर से फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम ने किया है दोस्तों वर्जन 1 से वर्जन 2, वो बहुत ही लॉजिकल पार्ट इन्होंने यूज किया है और उसी लॉजिक की वजह से वर्जन 1 भी चलेगा और वर्जन 2 भी चलेगा। तो कुछ कंडीशन जो सिस्टम ने दिया है उसके बारे में तो आपको मैं डिटेल बताना चाहूंगा, लेकिन पहले थोड़ा प्लान के बारे में डिटेल है दोस्तों, ठीक है। तो अभी अपना जो वर्जन 1 का प्लान है, आप सभी लोगों को भी पता है कि वर्जन 1 का प्लान अपना एक लेवल का प्लान है। लेवल प्लान यानी हम जुड़ते हैं हमारे 12 फिर उनके 12 फिर उनके 12 ऐसे एक लेवल 13 लेवल तक का वो प्लान है। अब उसकी खासियत अलग है क्योंकि वहां पे हम लॉन्ग लाइफ करोड़ों रुपए कमा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट सेम है, 2500 में से 300 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3 लोगों को 500, एक व्यक्ति को 800 रुपए, ये सभी लोगों को आपको पता है। अब ये वर्जन 2 जो आने वाला है दोस्तों, ये वर्जन 2 आएगा बाइनरी कंसेप्ट में। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो धमाका मचाने वाला प्लान होता है बाइनरी। अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा सर ये बाइनरी तो बैन है, सर बाइनरी तो इलीगल प्लान है, ये बाइनरी के ऊपर तो बहुत चर्चा होती है। लेकिन मैं आपको प्लान बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, प्लान कोई भी फ्रॉड नहीं होता, प्लान कोई भी इलीगल नहीं होता, प्लान प्लान होता है। जैसे आप मान लीजिए बाइनरी हो, मान लीजिए लेवल प्लान हो, मान लीजिए मैट्रिक्स प्लान हो, मान लीजिए हाइपर बाइनरी हो, मान लीजिए अलग अलग यूनि लेवल प्लान, अलग अलग प्लान, ये प्लान है, ये प्लान फेल नहीं होता, प्लान फ्रॉड नहीं होता। उस प्लान के अंतर्गत कंपनी जो कुछ भी इन्हें गलत तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है मनी सर्कुलेशन के जैसा, उसकी वजह से वो फ्रॉड होता है। प्लान प्लान होता है, प्लान की वजह से सिस्टम या फिर कंपनी फ्रॉड नहीं होती। तो जैसा लेवल प्लान है सेम उसी तरह ये बाइनरी का प्लान है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है दोस्तों, बाइनरी जो वर्जन 2 में अभी आया है कि ये बाइनरी में ये सिस्टम कैसे चलेगा, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि बाइनरी में एक्चुअली होता क्या है। अदर एमिरेट कंपनीज का देखेंगे तो अदर कंपनीज में ज्वाइनिंग अमाउंट जो होता है वो हम कंपनी को देते हैं, ज्वाइनिंग अमाउंट कंपनी को देते हैं और बाइनरी देने का काम कंपनी करती है, कमीशन देने का काम कंपनी करती है। तो अब इस सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे भी फिर क्या सिस्टम को पैसा देना होगा, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल किसी एक्सवाइजेड कंपनी में मान लीजिए 5000 का ज्वाइनिंग पैकेज है और 500 रुपए बाइनरी, फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ही कोई बंदा ज्वाइन होता है तो ज्वाइनिंग अमाउंट कंपनी को देता है। अब उस कंपनी को दिए हुए ज्वाइनिंग अमाउंट में मान लीजिए 3 लोगों का मैचिंग हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है, 5000 कंपनी के पास आए हैं उसमें से 3 लोगों को 500 रुपए कंपनी देती है, बाकी बचा 3500 वो कंपनी का प्रॉफिट, फिर उसमें उनको कुछ प्रोडक्ट देना हो जो कुछ भी बातें हैं, ठीक है। लेकिन बचते पैसे किसके पास है, कंपनी के पास है। लेकिन इस सिस्टम में जो अभी वर्जन 2 आने वाला है दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम का कुछ भी लेन देन नहीं होगा, यहाँ पे भी सेम वर्जन 1 के जैसा डायरेक्ट लोग ही लोगों को मदद भेजेंगे, डायरेक्ट लोग ही लोगों को पैसों की मदद भेजेंगे। तो फिर आपको लगता होगा अभी जो बाइनरी के किंग है जिनको बाइनरी पता, आपको लगता होगा कि सर बाइनरी तो फिक्स नहीं होती, बाइनरी तो कितने भी लोगों में मैच हो सकती है, फिर पैसों का लेन देन कैसा होगा। तो वही तो लॉजिक इसमें है दोस्तों, अभी आप प्लान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस
प्राइमरी वर्जन 2 के प्लान में ज्वाइनिंग अमाउंट रहेगा 3,800 रुपए, 3,800 रुपीज में एक बढ़िया प्लान, और वो भी बाइनरी प्लेस बेस्ड प्लान वर्जन 2 के माध्यम से ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल ने हमें सभी लोगों को दिया है दोस्तों। अब इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे, पहला तो बेनिफिट रहेगा दोस्तों जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रेफरल। अभी ये थोड़ा सा मैं मल्टीलेवल मार्केटिंग का लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, इसकी वर्डिंग अलग हो सकती है लेकिन समझ में आए इसलिए मैं इस लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो पहला तो बेनिफिट होगा डायरेक्ट रेफरल, दूसरा बेनिफिट होगा दोस्तों बाइनरी जिसको हम मैचिंग इनकम बोल सकते हैं, तीसरा बेनिफिट होगा इसमें डबल बाइनरी जो आज तक किसी कंपनी में किसी सिस्टम ने ये यूज नहीं किया, ये यहाँ पे यूज होने वाला है, और फोर्थ बेनिफिट रहेगा दोस्तों मल्टीपल बाइनरी। डायरेक्ट रेफरल, बाइनरी, डबल बाइनरी, मल्टीपल बाइनरी। अब होगा क्या दोस्तों, मान लीजिए यहां पे आप मैं, अब जैसा कि बाइनरी में कितने लोग होते हैं, सिर्फ दो लोग, दो लेग होते हैं बराबर, बाइनरी में सिर्फ दो लेग होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अभी मान लीजिए आप हैं, आपने अपना काम स्टार्ट किया है, आपने लेफ्ट में एक ज्वाइनिंग लगाई है, ठीक है। अभी ज्वाइनिंग देने वाला अमाउंट कितना लेगा बंदा, 3,800 रुपए, क्योंकि ज्वाइनिंग अमाउंट है 3,800 रुपए। अब ये जब 3,800 रुपए देगा, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसमें से 800 रुपए मिलेंगे आपको क्योंकि आप उसके स्पॉन्सर्ड है, आपको डायरेक्ट रेफरल मिलेगा 800 रुपए। अभी 800 यहां से माइनस होने के बाद अभी बचते हैं 3,000 रुपए। अभी 3,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा क्योंकि सिस्टम तो कुछ लेता भी नहीं है, कुछ देता भी नहीं है। अभी यहाँ पे आपका कुछ मैचिंग हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे आपका कुछ मैचिंग नहीं हुआ लेकिन अपलाइन में किसी ना किसी का तो हुआ होगा बराबर, किसी ना किसी का तो हुआ होगा। इन केस मान लीजिए इस केस में अपलाइन में अगर दो लोगों का मैचिंग होता है, आपका तो मैचिंग नहीं हुआ लेकिन अपलाइन में अगर दो लोगों का मैचिंग होता है, तो जैसा हमने देखा है कि यहाँ पे बाइनरी अमाउंट सिस्टम ने रखा है 800 रुपए, डायरेक्ट रेफरल का बेनिफिट है यहाँ पे 800, सॉरी डायरेक्ट रेफरल का बेनिफिट है 800 रुपए और बाइनरी अमाउंट है 500 रुपए, ठीक है। तो जैसा कि आपको मिला 800 रुपए डायरेक्ट का लेकिन आपका कुछ मैचिंग नहीं हुआ, लेकिन ऊपर आपके दो अपलाइन का अगर मैचिंग होता है तो उनको बाइनरी कितना जाएगा, पर पर्सन 500 रुपीज बराबर, क्योंकि ज्वाइनिंग अमाउंट कितना है, बाइनरी अमाउंट कितना है 500 रुपए। तो आपका मैचिंग नहीं हुआ लेकिन आपके इस ज्वाइनिंग के वजह से आपके अपलाइन में दो लोगों का अगर मैचिंग होता है तो उनको 500 रुपए जाते हैं, यानी ये टोटल बाइनरी का अमाउंट हो जाता है यहाँ पे 1,000 रुपए। अभी इस बंदे ने जो 3,800 रुपए दिए थे उसमें से 800 रुपए डायरेक्ट का इनकम गया और बचे हुए 3,000 में से 1,000 रुपए बाइनरी का इनकम गया, अभी भी 2,000 रुपए बचते हैं। तो अब इसका क्या होगा, बराबर है मैडम, समझ में आ रहा था, इसका क्या होगा, तो अब इसका क्या होगा, उसके लिए ये बेनिफिट है डबल बाइनरी। अब ये डबल बाइनरी कैसे कैलकुलेट होता है, जो पैसे बचते हैं इस बचे हुए पैसे भी फिर से उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनका मैचिंग हुआ है, ज्वाइनिंग अमाउंट में बचा हुआ पैसा भी फिर से उन्हीं दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनका मैचिंग हुआ है। इस केस में आपका कुछ भी मैचिंग नहीं हुआ था इसलिए आपको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन आपके इस ज्वाइनिंग की वजह से अपलाइन के दो लोगों का मैचिंग हुआ है तो उनको तो ऑलरेडी पर पर्सन 500 रुपीज मिला है और बाकी बचे 2,000 भी उनमें डिवाइड होंगे, 2,000 डिवाइडेड बाय मैचिंग कितने हुए हैं 2, तो पर पर्सन 1,000 रुपए, यानी यहाँ पे 500 रुपए बाइनरी अमाउंट हुआ और 1,000 रुपए डबल बाइनरी अमाउंट हुआ, एक व्यक्ति को मिल गए 1,500 रुपए। समझ में आया, कितना बढ़िया कंसेप्ट है। अभी मान लीजिए यहाँ पे आपने सेकंड ज्वाइनिंग बाद में किया है नेक्स्ट डे, ठीक है, अभी यहाँ पे आपने 3,800 रुपए लिए, अभी इसका बेनिफिट क्या है, पहला तो बेनिफिट आपको 800 रुपए मिल गया बराबर है। अब इस केस में आपका मैचिंग हो रहा है 1:1, ओके okay, अब मान के चलेंगे आपका भी मैचिंग हुआ और आपके अपलाइन में और 3 लोगों का मैचिंग हुआ, समझ के चलेंगे, और 3, अभी मैचिंग कितना होगा पता नहीं क्योंकि बाइनरी का कंसेप्ट क्या होता है, 40-50 का रेशियो चलता है, एवरेज 3-4 मैचिंग तो जनरल होते हैं लेकिन मैक्सिमम 5-6 तक भी मैचिंग हो सकते हैं। तो हम पकड़ के चलेंगे एक आपका मैचिंग हुआ और आपके अपलाइन में 3 लोगों का मैचिंग हुआ, तो टोटल मैचिंग कितने हुए 4, तो 800 रुपए तो ऑलरेडी यहाँ पे चले गए, अभी बाकी बचे 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए 4 लोगों का मैचिंग हुआ है तो 4 लोगों को पर पर्सन 500 रुपीज, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है अमाउंट 2,000, यानी 800 रुपए
डायरेक्ट का बेनिफिट और 2000 रुपए बाइनरी में चला गया। अभी पैसे कितने बचे? 1000 रुपए, 3800 में से 800 और ये 2000, 1000 रुपए बचे। अब ये जो 1000 रुपए बचते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ये डबल बाइनरी का बेनिफिट मिलेगा फिर उन्हीं चार लोगों को जिनका इस ज्वाइनिंग की वजह से मैचिंग हुआ। अब उसमें से रहेंगे एक आप, आपका भी मैचिंग हुआ है, और ऊपर के तीन अपलाइन, यानी सेम वही चार लोग जिनको 500 रुपए की बाइनरी मिली है, सेम उन्हीं चार लोगों को ये पैसा डिवाइड होकर मिलेगा पर पर्सन 250 रुपीज। समझ में आया? मुझे तो लगता है 90% समझ में आया होगा। यानी यहाँ पे बाइनरी तो 500 फिक्स मिलने वाला है, डबल बाइनरी कितना भी मिल सकता है। अब इसका कैलकुलेशन वगैरह ऊपर सब फॉर्म के ऊपर आएगा, हमें सिर्फ फॉर्म के हिसाब से पेमेंट करना है, ठीक है? तो ये हुआ डबल बाइनरी। अब